दादा कहता था हमें। भतीजे का बेटा था जी। क्या उम्र थी अली की? 5-6 साल थी। अल्लाह, इनकी बेटी निमरा और निफरा और भतीजे का बेटा जो कि रिश्ते में इनका पोता होता था जी, उसको एक जालिम ने गला घोट कर मार दिया। ये जालिम कौन था? हमारी दुकान पे काम करता था, हसनैन नाम था उसका। हसनैन नाम था उसका। हसनैन नाम जी जी। आपकी दुकान पे क्या काम करता था? हमारी दुकान पकवान की है। पकवान की दुकान है? पकवान। तो आपके साथ? जी जी। मेरे पास 3 लड़के काम करते हैं, एक चाचा है, बुजुर्ग है, वो काम करते हैं। हम 4-5 आदमी हैं दुकान पे। अच्छा। ये चोरी की नियत से घर में घुसा था। चोरी की नियत से घर में घुसा था? कितना पुराना बंदा था आपका? ये कम से कम 1.5 साल से था दुकान पे। तो 1.5 साल में तो भरोसा जीत ही लेता है इंसान। 1.5 साल से था इसके। मैंने बराबर वाली दुकान खरीदी हुई थी, तो मुझे उसकी पेमेंट करनी थी 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को जी। अच्छा, और ये वाकया 19 अप्रैल को पेश आया? ये 19 अप्रैल को वाकया हुआ। घर में पैसे रखे हुए थे 4.5 लाख रुपए तकरीबन। आपने पेमेंट करनी थी? पेमेंट के पैसे पौने चार। उसको पता था ये बात? इसको पता था। उसके सामने मेरे एक दोस्त हैं, नाजमाबाद में रहते हैं, वो 2 लाख रुपए दे के गए थे मेरे को। उसी के सामने? उसी के सामने। वो उसके सामने घर में ले आके रखे थे मैंने, कि भाई दुकान की पेमेंट जो कम पड़ रहा है ये ले ले उसमें से। भाई थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे जी। इसमें ना 2 लाख रुपए मुझे मेरे एक दोस्त हैं, वो दे के गए थे। वो देकर गए थे और इसके सामने ही देकर गए जी? इसके सामने। इसके सामने घर में ले आके रखे थे, इनको दिए थे 2 लाख रुपए, आए हम 5-6 दिन बाद पेमेंट कर देंगे इसकी। तो ये था वो चीज़। और उसको पता था कि आपको 5-6 दिन बाद पेमेंट करनी है? जी जी, इसको पता। इसलिए मैंने इसको बोला था ये दुकान की पेमेंट हो जाएगी 5-6 दिन बाद, मैं तेरे को गाड़ी दिला दूंगा। जो आपने कहा जी कि मैं, तू घर से जो आता जाता है पैदल या बसों में, तो तुझे सुकून हो जाएगा। मैंने यहाँ तक इसको बोला था कि मैं तुझे गाड़ी भी दिला दूंगा ऐसे में। अब इल्जाम ऐसे उल्टे सीधे लगा रहे हमारे पे। हमारे पास इल्जाम जैसे बड़ी बच्ची के ऊपर इल्जाम लगा रहा था, मैं वो तंग करती थी, मैं उसे मारने गया था, झूठ बोलता है ये। बोलते 3 लड़के हैं, तीनों मेरे भाई हैं। किनको कहते थे? ये 3 लड़के दुकान में काम करते हैं, मेरे बच्चे इनको भाई मानते थे। हमारा कोई लड़का तो है नहीं। 3 लड़कियां थी मेरी। अच्छा। चार लड़कियां थी। एक का 8 साल पहले इंतकाल हो गया था, बड़ी लड़की का बीमारी में। और 3 बची थी, 2 इस जालिम ने छीन ली। अभी एक बची है, उसका भी दिमागी तवाज़ुन खराब हुआ हुआ है। उसको कराची नफ्सी अस्पताल में दिखा रहे हैं उसे भी हम, इस हादसे की वजह से। हमारा तो घर ही बर्बाद हो गया। किसको बोले अपना दुख। सब जगह उसने कबूल कर लिया अपना जुर्म, मीडिया पे उसने कबूल करा, थाने में उसने कबूल करा, जिन जज साहब के पास ये केस है उनके सामने उसने कमरे में जाके कबूल करा। 2 महीने गुजर गए लेकिन कोई केस आगे बढ़ ही नहीं रहा। वहीं का वहीं केस है कि कल चलान देंगे उसे, चलान कल देंगे, कल चलान देंगे, ये हो रही है बात बस। ना केस आगे बढ़ता है, ना कोई होता है, ना उससे सजा। जब उसने सब कुछ कबूल कर लिया तो उसे सजा क्यों नहीं हो रही? क्यों केस को इतना आगे पीछे करा जा रहा है? ये किस वक्त वाकया पेश आया श्रीफ भाई? कहाँ थे आप लोग? भाभी किधर थी? घर वाले सब कहाँ थे? ये वाक्य ऐसा हुआ कि ये जो है लालू खेत गई हुई थी बड़ी बच्ची को लेके शॉपिंग करने, बड़ी वाली को लेकर, बड़ी वाली लड़की को। और मेरे ये दोनों बच्चे, तीनों बच्चे जो हैं ट्यूशन गए हुए थे, अली, मीफरा और नीमरा। ये तकरीबन 5:30 बजे घर पे आए। मैं घर में सो रहा, मैं उठा, मैंने बच्चों आप तुम आ गए हो, मैं दुकान जा रहा हूँ। तो मैं मुँह हाथ धो के नीचे उतरा, नीचे की पीछे गली की कुंडी लगाई मैंने। कुंडी लगाने के बाद बजे का वक्त है ये तकरीबन 5:30 बजे शाम के, 5:30 बजे शाम के 5:30 बजे। अच्छा। तो मैं नीचे उतरा हूँ, नीचे उतर के मैंने कुंडी लगा के बाहर रोड पे हम टेबल लगा के बैठते हैं, तो मैं वहाँ जाके बैठ गया। मेरे एक दो दोस्त बैठे हुए। आप उस वक्त काम पे नहीं थे?
दुकान पे था मैं, दुकान पे ही थे। घर कितनी दूर था? ऊपर घर है दुकान के। है जी, उसने इतने सफाई से काम करा किसी को पता ही नहीं लगा। 5:30 बजे आप बाहर टेबल लगा कर बैठ गए। अच्छा, फिर भाभी उस वक्त तक गई हुई थी बड़ी वाली को लेकर बाजार में गई। और बच्चे कहाँ थे? ट्यूशन पे गए। बच्चे ट्यूशन गए थे, 5:30 बजे वापसी आए। बच्चे जब ट्यूशन से घर वापसी आए तो मैं नीचे उतरा हूँ बच्चों को घर में छोड़ के। तो ये हुआ कि इसने इस तरह काम करा है कि जैसे अब दुकान में लड़का काम करता है, दुकान में घूमता है, तो इसने पीछे दुकान में गया, पीछे गली की कुंडी खोली दरवाजे की, इसने पीछे की कुछ बता रहा है अपना बयान में दिया इसने। फिर वो बराबर वाली दुकान है मेरे, उसने उनके पास गया, उनसे बोला मैं वाशरूम जाऊँगा। तो उनसे वाशरूम गए कह के पीछे गली में गया, गली में जाके पीछे से ऊपर चढ़ गया घर के अंदर। अब हम बाहर बैठे हैं रोड पे, हमें नहीं पता है पीछे से घर पीछे से रास्ता है ऊपर जाने का। जी जी, तो इसने सारी वारदात करी। बच्ची मेरी छोटी वाली थी, बड़ी लड़की अकेली थी घर में, छोटी वाली मेरे पास आई हुई थी, पापा पैसे दो मैं चीज लेने जाऊंगी। तो मैंने उसको पैसे दिए, वो चीज लेने चली गई। ये पीछे घर में चढ़ा हुआ होगा। फिर इतने वो छोटी बच्ची चीज लेकर आई, वो भी घर में चली गई। इसने उससे भी उसका हादसा बनाया। 10 मिनट बाद हुआ, अली है ना हमारा पोता, वो आया, दादा जलेबी लेके आया हूँ, आज चांद के 11 तारीख थी, नया जलाई है अम्मी ने, जलेबी खा लो। मेरे को उसने एक प्लेट दी, उसके बाद वो दूसरी प्लेट थी, बोले दादा ये, मैंने कहा जा अपनी पप्पो को दे दो ऊपर जाके। वो ऊपर गया, उससे भी उसने जालिम ने निशाना बना दिया। क्या उन लोगों का गला घोटा था? जी, किस चीज से उसने गला घोटा? कपड़े से, हाथों से? बड़ी वाली का तो अबाये का जो दुपट्टा होता है ना, उससे घोटा। और जब छोटी वाली जब आई जो उससे चीखे ना कि भाई छोड़ो मेरी बहन को छोड़ो, तो वो उस वक्त तो उसको मार चुका था। तो उसी का अपना बयान है कि उसको फेंक के मैंने फिर छोटी को पकड़ा, और जो उसका हाथ से गला दबाने लगा तो वो नहीं मरी। तो टाइस होती है ना बच्चों की, उससे उसका गला दबाया, और इतना टाइट गिठान बांधी कि गिठान खुली नहीं रही थी। जब हम बाजार से आए ना, तो अली की मम्मा नीचे खड़ी थी, कह रही है मुमानी जान बच्चे नजर नहीं आ रहे और आपके घर में चोरी हुई है। पहले उन्होंने कहा कि बच्चे नजर नहीं आ रहे। कितनी देर बाद आपको इस बात का एहसास हुआ? ये लड़का मार के नीचे उतरा है और ये इनकी मामा ऊपर चढ़ी है। गली में उतर रहा था, दरवाजे से बाहर निकला, इसकी अम्मी जो है अली की जो है वो ऊपर घर में आ रही थी, उन्होंने देखा इसको घर से निकलते हुए, हसनैन को घर से निकलते हुए देखा। और फिर हसनैन से ही पूछा कि अली कहाँ है, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। फिर ये ऊपर चढ़ी, बच्चों को पुकारने लगी, तीनों बच्चों को, बच्चे वहां नजर नहीं आए, तो इतने में ही नीचे उतरी है और बाजार से आ गई थी साथ में। उन्होंने नीचे वाले कमरे को जरा से ही खोला है तो सब सामान बिखरा पड़ता, वो घबरा के नीचे भागी कहीं मुझ पर चोरी का इल्जाम ना आ जाए। तो इतने में नीचे उन्होंने आवाज लगाई, मामू आपके घर में चोरी हो गई है, इनको आवाज लगाई। अब ये लोग क्या कहते, भाग कर आए, साथ साथ हम भी पचड़े। मैंने क्या हुआ है नहीं, तो कह लेंगे मान जान आपके घर में ना, पहले तो कह लेंगे बच्चे नजर नहीं आए, मैंने बच्चे ऊपर के पोषण में होंगे, तो कही नहीं और आपके घर में चोरी हुई है। फिर जब मैं घबराई, मैंने कहा भागो, देखो बच्चे नजर नहीं आ रहे, चोरी हो गई। और वो बड़ी बेटी जो है वो ऊपर भागी गई, तो बच्चे का तो गला घोट के ना बिस्तर के नीचे दबाया हुआ था। अब वो जो अली को अब जैसे बच्ची भागी ना, तो उनका सर ना अली के पांव से टच हुआ ना, और वो एकदम बॉल की तरह उधर पैर हुआ, तो वो बच्ची घबरा गई। और टीवी फुल 100 पे खुला हुआ था, तो टीवी जैसे बंद करने के लिए गए, पीछे चिखने लगे कि भाई यहाँ देखे कोई, यहाँ पे कोई चीज है, यानी दूसरा लड़का जो भाग कर आया ना, जो शागिर्द है इनका, तो उनसे कहेंगे भाई यहाँ देखे यहाँ कोई चीज है। जैसे उन्होंने हटाया तो बच्चा वहां पे पड़ा हुआ था, और उसके सर बॉल की तरह एकदम इतनी दूर हुआ, यानी के कोई वो उसका खुद का बयान है कि इसकी गले तीनों में कोई जान नहीं बची थी। कह रहा कि अली की तो गले की सरासी भी नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी। जब वो थी, मैंने एनी को आवाज लगाई, अली की मामा को, एनी भाग कर आए, देखे बच्चा तो ये पड़ा हो, वो तो अपने बच्चों को लेके भाग गई। फिर मैं अपनी बेटी से चीखी, मैंने कहा बेटा ऊपर भागो, देखो आपकी बहने का है। अब जब वो ऊपर भागी तो कहेंगे अम्मी भाग कर आए, दोनों बहने ये पड़ी अजमर हालत में, जबकि हमारी बच्ची दो दफा जो ऊपर भागी ना, दो दफा नीचे गिरी थी कस के, जो भागी दो दफा
बता दी कि वो पर गई तो छोटी बहन को पहले प्यार करा फिर बड़ी बहन को खोलने की कोशिश करा। वो बंदी हुई थी, बंदी हुई थी दोनों को गले से टाइट। अब जब मैं ऊपर गई मैंने जब इस हालत में देखा तो बच्ची ऐसी बड़ी वाली जो उसकी गोदी में चली लेटी थी पूरी गर्दन नीली पड़ी हुई थी रस्सी से। तो छोटी को मैंने पकड़ा ना तो इतना टाइट गला बंधा था और मुंह से खून इतना आ रहा था कि अल्लाह मेरी बच्ची। क्योंकि इस लड़के को खुद का प्यार नहीं था मैंने इसके मुंह पे मुक्के मुक्के मारे इसके सीने पे मुक्के मारे इसकी जान ही निकल रही थी। तो जब मैंने जब देखा तो खून खून उसका मुंह हो रहा था और गले पे इतनी टाइट बंधी हुई थी टाइस तो खुली नहीं। ये बच्चियों की तस्वीर है, ये कौन है? निम्रा है छोटी, ये अली है, निफरा। ये निम्रा और निफरा भाई तीनों बच्चे। ये अली है, एक साथ ही रहते थे हर बार सुबह स्कूल जाना दोपहर मदरसे जाना शाम में ट्यूशन जाना एक साथ खेलना तीनों एक साथ होते थे एक साथ ही। या मेरे अल्लाह कैसी हैवानियत है। यह आदमी कौन है कहां से है जानने वाला था? क्या आदमी है ये? इसको तो मैं आदमजात भी नहीं कह सकती हूँ। अभी थोड़ी देर बाद अलामा साहब अलामा मिसबी साहब और रहमानी भाई आने वाले, आप देखिएगा वो किस तरीके से पेश आएंगे इस आदमी के हवाले से और ऐसी हैवानियत के हवाले से। इस लड़के का इतना मैं ख्याल रखती थी, चावल खाने का इतना शौक था कि भाभी पुलाव बना लो, भाभी कबूली खिचड़ी बना लो, भाभी दाल चावल बना लो। मैं इनसे कहती थी नहीं, इस बच्चे ने कहा कि मेरे को ये खाना है तो मैं यही पकाऊंगी। अपनी मर्जी है खाने बनवाता था ये भाई, इतना माशाल्लाह बच्चों से भी बहुत प्यार करता था। बहने मेरे बेटा नहीं थे तो बहने इसको भाई मानती थी, भाई यही हमारा भाई और भाई ही। क्या उम्र थी शादी की? 19-20 साल है, 19 साल है तकरीबन। 19 साल अपने आप को बोलते हैं जी मैं 13-14 साल का हूँ, बोलते हैं मैं 13-14 साल का हूँ, 15 साल का हूँ ये बोलते हैं। इससे पहले के मैटी के पैसे भी इसने चुराए थे। 4-5 महीने पहले मेरी बहन का इंतकाल हुआ था शक्कर में, तो मैं मैयत में गया हुआ था शक्कर। अच्छा, तो ये घर में अकेले थे, ये ऊपर कपड़े धोने गई हुई होंगी ना, तो इसने पहले भी चोरी करी है इसने घर में, हमें नहीं पता था। इन्होंने फोन करा, मैं जब फौरी वापसी आया वहाँ से, सबसे कसम खाई, इन्होंने कसम खा ली लड़कों ने कि भाई हमें अपनी माँ की कसम है कुरान की कसम है हमने चोरी नहीं की घर में। तो हमने बात को रवा दवा कर दिया, पत्नी बाहर से कोई आ गया होगा पीछे के दरवाजे से। तो हम जब से ना कुंडियाँ लगाने लगे थे पीछे के दरवाजे की कि अब एक दफा हादसा हो गया ये दोबारा नहीं होना चाहिए। और उस दिन कुंडी नहीं लगी हुई थी? मैं कुंडी लगा के गया हूँ नीचे दुकान पे जो बैठा हूँ ना, मैं कुंडी लगा के बैठा हूँ, इसने कुंडी खोली है, खुद बोल रहा है कि मैं अंदर दुकान में गया हूँ मोटर के बहाने और मैंने पीछे की कुंडी खोली है, फिर मैं बराबर वाली दुकान से घूम के ऊपर चढ़ा हूँ। सुना है इसने वजह बताई है कि मुझे काला काला कहते थे इसलिए जो है मैंने इनके साथ ये किया, क्यों किया इसने, मारा क्यों, मैं ये सवाल कर रही हूँ। ये जो अपने आप को बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, ये असल गए थे चोरी करने के लिए, इन्होंने पहले भी चोरी करी है, इन्होंने बताया पहले 1000 रुपए चुराए थे मैंने घर में से, किसी को नहीं पता। फिर मैं अपनी बहन की मैयत में गया था तो 25-30 हजार रुपए चुराए इन्होंने, तो मेरी मैं 20 ही डालता हूँ ना